अगर कोई अपनी गाड़ी दे के ड्राइवर से चलवाना चाहे तो कितने क्या खर्चा आता है, कितनी क्या बचत होती है एक ड्राइवर की, वो बताते हैं। या अपनी गाड़ी है तो हम दूसरे ड्राइवर को देंगे तो कितने रुपए बचेंगे। तो कोरोना से पहले इतनी ज्यादा अर्निंग थी भाई, एक एक गाड़ी, एक एक मालिक के पास चार चार गाड़ियां थी। सुबह की राम राम मेरे प्यारे साथियों, और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के बजने वाले हैं 9, कल के ही टाइम हम निकले हुए हैं, और भाई बच्चे देखो जा रहे पढ़ने के लिए, स्कूल का टाइम है। ये रहा कुछ भाई, अपना डिस्प्ले जीरो किया रही था, सॉरी भाई भूल गए थे, ट्रिप ए को हम जीरो किए देते हैं। ईंधन वगैरह कुछ इतना अपनी गाड़ी में, और म्यूजिक प्लेयर अपना चल रहा है लेकिन वैल्यू हमने कर दिया धीमा भाई। तो भाई अभी अभी घर से निकले हैं और हम जा रहे हैं अड्डे की तरफ। उबर की आईडी हमारी बंद हो चुकी है, इंश्योरेंस डाला नहीं था भाई, तो उबर की आईडी आज चालू करानी है, और ओला और वन वे दोनों चालू हैं, उनको ऑन कर रखा, अभी कोई काम आया नहीं है। लोकल भी आएगा तो लोकल भी चलाएंगे, क्योंकि कल भाई कोई काम किया नहीं था, बस वही 2 घंटे की रेंटल की थी, 400 रूपये काम हुआ था। फिर चले गए थे दोस्त के यहाँ खेत पे भाई, पार्टी सार्टी करने, बड़ा मजा आया कल पार्टी उर्टी करके, लेकिन भाई पैसे भी जरूरी है। पार्टी वगैरह करने में तभी मजा आता है जब पैसे कमा के गए हो, ढेर सारे पैसे हो जेब में तो अच्छा लगता है, नहीं तो काम छोड़ के भाई पार्टी करेंगे तो कैसे ही चलेगा यार। घर वाले भी कहते हैं क्या चल रहा तुम्हारा सिस्टम, पार्टी करना जरूरी था क्या, काम करना चाहिए था। अब उनको कौन समझाए भाई, पार्टी करने हम लोग 1:30-2 बजे गए थे भाई, कारण ये था कि 3 बुकिंग हमारे में 2 अनेबल हुई थी, 1 एक्सेप्ट होने के बाद कैंसिल हो गई थी, 1 इलाहाबाद की थी, 2 लखनऊ की थी, 1 प्राइम 1 मिनी लखनऊ की थी, और जो इलाहाबाद वाली थी वो तो मान लो एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। तो 3 बुकिंग कल खराब कर दिया सिस्टम पूरा। अब आज फिर उम्मीद से निकले हैं कि यार कल का दिन खराब गया, कोई बात नहीं, पार्टी सार्टी कर ली भाई 2 बजे के बाद, शाम को क्या ही मिलती बुकिंग, और मिल भी जाती तो रात में रुकना पड़ता उधर, तो हमने कहा चलो दिन बेकार हुआ है। तो सारे दोस्त लोग बोल रहे थे जो अड्डे पर रहते हैं, 7-8-9-10 लोग थे हम लोग, कि चलो आज चलो दिन तो बेकार हो ही गया है, तो क्यों ना इसको जो है पार्टी उर्टी किया जाए, इस दिन को अच्छा बनाया जाए। हमने कहा चलो भाई, सबकी सहमति थी तो भाई हम भी चले गए, और शाम को आ भी गए थे टाइम से घर पार्टी सार्टी करके। तो अभी का क्या है ना कि अभी तक कोई राइड आई नहीं है, नहीं तो आज मन बनाए थे भाई कि लोकल की भी आएगी तो लोकल की भी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेंगे और काम करेंगे, लेकिन अब काम आया नहीं तो अड्डे पे जा रहे हैं, देखेंगे वहीं से कोई शायद ढंग का काम निकले और फिर हम काम करें, और आप लोगों को बताएं भाई कि कितनी क्या अर्निंग हुई है हमारी, ईंधन वगैरह क्या लगा है, बचत वगैरह क्या है, तभी ब्लॉग में मजा आता है भाई जब सारी चीजें होती हैं। जब अर्निंग नहीं होती है तो भाई ब्लॉग बनाने का क्या ही मतलब, क्या आप लोगों को बताएं कि गए थे खाली पीली और खाली पीली शाम को वापस आ गए, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो चलते हैं अड्डे पे, बताते हैं फिर आपको जैसा भी होता है, पूरी डिटेल रहेगी भाई आपको इसी वीडियो मिलेगी। या ये वो गाड़ी है भाई की, और जो भाई साहब चलाते हैं हमारे कई सारे ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग ज्यादातर अपनी ही गाड़ी चलाते हैं। अगर कोई अपनी गाड़ी दे के ड्राइवर से चलवाना चाहे तो कितने क्या खर्चा आता है, कितनी क्या बचत होती है एक ड्राइवर की, वो बताते हैं। भैया हमारे चैनल पे आपका स्वागत है भाई। जी भैया बताइए, नाम क्या है भाई आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, गाड़ी अपने कानपुर की है, आप भी कानपुर के हो, गली मोहल्ले की पास की गाड़ी होगी? जी जी। ये ज्यादा दूर की है? नहीं पास ही है, रोज घर रोज खड़ी करने जाना पड़ता है। जी जी जी। आप अपने घर पे नहीं खड़ी करते? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा कितनी किस हिसाब से हो जैसे? मैं सर 35 रूपए राइड मिलता है। 35 रूपए राइड, जो कि कम है जबकि 40 रूपए चल रहा है लोकल का, ठीक है, और आउट स्टेशन का 400 रूपए मिलता है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो इलाहाबाद हो, आना जाना दोनों करोगे तो 400 रूपए मिलता है। अगर एक साइड से मालिक इतना ठीक खाली भागा हो तो? जी 200 रूपए एक तरफ का, 400 रूपए दोनों तरफ का हाफ डाउन का। अच्छा अगर मान लो दिल्ली की राइड आ जाए या आगरा की आ जाए तो पैसा बढ़ाता नहीं बढ़ाता? तो वो मतलब बढ़ाता है, मतलब 400 रूपए 100 किलोमीटर के रेंज में आने जाने का 400 देता है। हाँ अगर लेके जाते हो, लेके आते हो 100 किलोमीटर, 100 आना 100 जाना है तो 400 रूपए आपके पक्के हैं। अगर दूरी बढ़ती है तो पैसे आपके बढ़ जाएंगे। अब इलाहाबाद जाओगे तो मान लो जाना आना दोनों है तो 700-800 रूपए भी हो जाते हैं। अच्छा एक दिन में कितनी राइड हो जाती है लोकल में? एक दिन में ऐसे लगभग हो जाती है 10। अगर सिर्फ लोकल में चलाते हो, बाहर नहीं जाते हो तो नहीं काम आता जैसे बाहर का,
लोकल में 10-12 घंटे चलाते हो। अरे तो 12-13 राइड कर ले, 12-13 राइड मतलब 400-500 रुपए आपके बन जाते हैं। हाँ 400-500। और ऑपरेटर कितने पहुंच जाता है लगभग? ऑपरेटर 1500-1600 का हिसाब पहुँच, 1500-1600 रुपए ऑपरेटर पहुंचता है। मतलब टोटल तो 2000 रुपए आता होगा अमाउंट, लेकिन 1500 तुम्हारा ऑपरेटर बनता है। 1500 में CNG भी निकालते होगे, लगभग 500 CNG कम लगती होगी, लग जाती है 600 लग जाती है लोकल में। लोकल में 6-7 चलो 1500 में 500 CNG निकाल, 1000 रुपए बचे, 1000 में 500 आपके हो गए 10 राइड पे। जी जी 350 होते हैं, तो लगभग मालिक को भी लगभग 500-600 बचते हैं, लगभग बराबर बराबर बचता है लोकल की राइड में। बराबर बचता है, आउट स्टेशन में मालिक को ज्यादा बचता है और ड्राइवर कम बचता है। हाँ। और आज कितनी आपके पास लखनऊ की आ चुकी है फर्जी, ये बताओ? लखनऊ की कम से कम 5 फर्जी आई यहीं पे। हाँ, एक आगरा की आई, लखनऊ की आई, इलाहाबाद की आई, फतेहपुर की आई। अड्डे पे भाई हम लोग खड़े हैं, भाई अपना यहीं आया हुआ था, इसको शक था कि शायद हम ही लोग डाल रहे, पूछने लगा भाई आप लोग डाल रहे हो, हमने कहा हम लोग खुद ही परेशान है यार भाई। और एक चक्कर भाई 3 बजे रात में गए थे ना जी, जी। ओला से यहीं से पिकअप था, यहीं से था, यहीं से पिकअप करके लखनऊ एयरपोर्ट गया था, और उधर इसने वेट नहीं किया, उबर से आ गया। अगर उबर से ना आता तो शायद ओला इसको अभी भी ना दिए होती, क्योंकि नंबर वहाँ काफी वेट चल रहा ना, 5-6 घंटे का चल रहा है। तो भाई उधर से उबर से लेके चला आया है, और लगभग 3-4 घंटे से यहाँ खड़े हो फ्री। हाँ 3-4 घंटे, सुबह 7 बजे आ गए थे, सुबह 7:30 बजे आ गए थे, 7:30 बजे आ गए थे, 12 बज रहे हैं, अभी तक कोई राइड की नहीं। अब एक लोकल की राइड एक्सेप्ट कर ली है उबर की, तो भाई जा रहा राइड करने। हमने कहा भाई 2 मिनट का समय दो, हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं जो पूछते हैं कि दूसरे गाड़ी चलाएंगे तो कितना बचेंगे, या अपनी गाड़ी है तो हम दूसरे ड्राइवर को देंगे तो कितने रुपए बचेंगे। तो उस हिसाब से कुल मिला के 500-600 रुपए ही डेली खुद के बच पाते हैं, और 700-800 रुपए मालिक को बचा के देते होंगे, है ना, लगभग 1000 रुपए मान लो डेली का, 500 काम हो जाता है लोकल में। लोकल में और 450 आपको बच जाते हैं बाहर जाते हो तो, नहीं तो लोकल में 10 राइड करोगे तो 350 ही मिलेंगे, और 12 राइड करोगे तो लगभग 400-500 रुपए इनके हो जाते हैं, और 12 राइड में मालिक का पास भी लगभग 1000 रुपए बच जाते होंगे सीएनजी वगैरह काट के। अच्छा, तो 1000। तो ठीक है भाई, जाओ राइड तुम्हारी आ गई, अपनी राइड करो जाके, और हमारा काम हो चुका है आज के ब्लॉग में यही डालेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू पंडित जी। आओ भैया। तो भैया आज के ब्लॉग में हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग ड्राइवर से चलवाना चाहते हैं तो उनको लगभग 1000 रुपए डेली की बचत हो सकती है, अगर जो ईमानदार अच्छा ड्राइवर मिलेगा तो। और जो ड्राइवर हैं दूसरे की गाड़ी चलाना चाहते हैं तो 350 से लगा के 500 रुपए की डेली अर्निंग कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हो और गाड़ी ठीक ठाक है तो। दोनों के लिए एक ही ब्लॉग में बना दिया है। एक वो भाई हैं जो अपनी गाड़ी किसी ड्राइवर चलवाना चाहते हैं, एक वो भाई हैं जिनके पास बजट नहीं है खुद की गाड़ी लेने के लिए और दूसरे की गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि दोनों लोगों को संतुष्टि होगी, मिल जाएंगे सारे जवाब। और फिर भी कुछ सवाल रह गए हो भाई, जो चीजें हम नहीं बता पाए आप हमसे पूछ सकते हो। और बस जो ड्राइवर भाई हैं बहुत से कमेंट करते हैं, बोलते भैया लाइसेंस कौन सा लगेगा, तो भैया 4 पहिया का लाइसेंस आपका कोई सा भी हो, खास करके हमारे यहाँ यूपी में तो मान्य है, दूसरे राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यूपी में आपके पास कोई सा भी 4 पहिया का लाइसेंस हो, आप वैलिड हो ओला उबर चलाने के लिए कमर्शियल गाड़ी, ये समझ लीजिए भाई। अब बेल्ट को लेते हैं लगा भाई, क्योंकि अब जा रहे हैं सीधा घर की साइड में, ऐसा ना हो कि चालान हो जाए, क्योंकि चालान इस समय बहुत हमको भारी पड़ेगा, जब पैसे नहीं होते ना भाई तो ये सारी चीजें देख के चलानी पड़ती हैं। फिलहाल अभी है नवाबगंज में चिड़ियाघर के पास में, देख सकते हो, ठीक है, और यहीं से मुड़ जाएंगे अपने घर की तरफ के लिए। तो जो ड्राइवर भाई थे हमारे मिलने वाले, वो डिजायर गाड़ी चलाते हैं, और डिजायर गाड़ी का ही आप गाड़ी कोई सी भी हो, जो टोटल फेयर बता, जो पर राइड का हिसाब जो चलता है वो चलाते हैं 35 रुपए में, लेकिन कोई कोई ड्राइवर 40 रुपए में भी चला रहा है, और गाड़ी मालिक 40 रुपए राइड दे भी रहे हैं भाई। तो अपना अपना हिसाब किताब है, जिसके साथ जैसी बनती पड़ती है अपना वो वैसा ही करता है, ठीक है ना। तो आप समझ बूझ लीजिएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा भाई कि ड्राइवर के भरोसे पे गाड़ी मत लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। बकाया जो लोग गाड़ी चलवा रहे हैं किसी न किसी कारणवश से वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब कारण कोई कई सारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग गाड़ी लाते हैं और उनका मन नहीं लगता चलाने में, तो अब ले आए हैं तो भाई ड्राइवर से चलवाएंगे, या फिर उनकी जॉब वगैरह दूसरी जगह लग जाती है, या और भी अपनी फैमिली को लेके कोई सारी बातें होती हैं सेफ्टी को लेके, भैया नहीं हमें डर लगता है, या घर वाले नहीं अलाउ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो वो लोग ड्राइवर से चलवाते हैं।
वैसे 80-90% मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ कानपुर की यूपी में, कि भाई 80-90% लोग खुद ही गाड़ी चलाते हैं। कोरोना के समय के पहले की बात दूसरी है कि कोरोना से पहले इतनी ज्यादा अर्निंग थी भाई, एक एक गाड़ी, एक एक मालिक के पास चार चार गाड़ियां थी, तो लोग तीन तीन ड्राइवर रखे थे, एक खुद चलाते थे या चारों पर ड्राइवर चढ़ाए हुए थे। लेकिन जब से कोरोना खत्म हुआ है ना भाई, तब से ओला उबर का काम एकदम खत्म हो गया, चौपट हो गया है, तो लोग एक गाड़ी ही नहीं झेल पाते हैं। तो भाई या बहुत ज्यादा है भी तो एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी है तो खुद ही चलाएंगे, तो 90% लोग खुद की गाड़ी लेके खुद चलाते हैं, और 10% ऐसे हैं जो लोग अपनी गाड़ी ड्राइवर चलवाते हैं या ड्राइवर लोग दूसरों की गाड़ी चलाते हैं। कारण चाहे जो कुछ भी हो भाई, लेकिन मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि भाई आप ओला उबर के लिए गाड़ी लीजिए और ड्राइवर से चलवाइए, हमें लगता है कि दो पैसे बच पाएंगे भाई। तो बकाया आपका अपना डिसीजन है, जैसा आप चाहो वैसा करो। तो ठीक है भाइयों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।